गुड मॉर्निंग डियर किड्स, टुडे वी विल लर्न टू राइट लेटर जी, लेटर जी इन आवर बुक। एंड द फोनिक साउंड ऑफ लेटर जी इज ग। द फोनिक साउंड ऑफ लेटर जी इज ग। यस, बट बिफोर राइटिंग लेट अस डू द एक्टिविटी। सो फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी यू नीड semolina। वी डू द ट्रेसिंग इन semolina ट्रे। ओके, so how you have to trace letter G, you have to put your finger here, then you have to make one curve। but अभी देखिए, हम लोग यहाँ से start करते थे ना, but you don't have to start from here, तो थोड़ा सा नीचे से start करना है, and then you have to make one curve like this, then it make it like this towards upside, and आपको इसको join नहीं करना है, यहाँ से आपको एक sleeping line बनाना है towards inside like this। okay, so which letter is this? letter G, letter G। and now children, it's time to do the second activity, and for that you need few colors, और उसमें green आपको लेना ही होगा, and बाकी आप कोई भी colors ले सकते हैं, ठीक है? and fox, any one crayon, and your activity book। okay, so let us see what you have to do। आपको ये फॉक लेना है एंड आपको अपना ये जो ग्रीन कलर है इसमें डिप करना है फॉक को बैक साइड से। ये बैक साइड है, इसको से डिप करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। कैन यू सी, इस पे कलर आ गया ना, देखो। सो आप इसको ऐसे डिप करेंगे एंड देन ये जो नीचे एकदम बिल्कुल लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर ना ग्रास बनानी है। G, G, grass, and G, G, green। कौन से कलर की होती है ग्रास? ग्रीन कलर की होती है ना, राइट? एंड डू यू नो, आप इसको डैप डैप करते रहेंगे लाइक दिस। ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट इज दिस? ग्रास। G, G, grass, G, G, green। अब यहाँ पर हमने ग्रास बना लिया। Now what you have to do, अब आपको अपना finger dip करना है in this green color only, so you have to dip your finger like this, and आपको बनाना है standing line। आप कितनी भी बना सकते हैं, it's up to you, so आप यहाँ रखेंगे and then you will make standing line like this, one, okay, then again dip your finger in the color, फिर आप इधर corner पर बनाएंगे। टू, मेक श्योर कि ग्रास तक आना चाहिए, ठीक है? इसको इसे आप ग्रास तक लेकर आओगे लाइक दिस, वन एंड टू, अगेन यू हैव टू डिप योर फिंगर, देन थ्री एंड वन मोर टाइम, दैट इज फोर। ओके, तो देखो अभी जो हमने ये फिंगर्स डिप करे हैं ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर से क्या बनाया है? स्टैंडिंग लाइन, राइट? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लीन योर हैंड विद दिस। जो कलर लगा है इसको आप जल्दी से क्लीन करेंगे, एंड देन आफ्टर दिस आपको क्या लेना है, आपको एक और फॉक लेना है, एंड आप अब इसमें बनाने वाले हैं फ्लावर्स, तो विद द हेल्प ऑफ फॉक ओनली। तो आप कैसे बनाने वाले हैं, पहले हम बनाते हैं विच फ्लावर, लेट अस मेक येलो, ठीक है, या फिर रेड, रेड बनाते हैं, रेड इज नाइस। तो पहले हम रेड फ्लावर बनाएंगे, अगेन यू हैव टू डिप दिस फॉक लाइक दिस, अच्छे से डिप करना है, ओके? इट शुड बी लाइक दिस, डिप करा। अब जैसे हमने ग्रास बनाया था ना, इसको आप ऐसे भी डैप करो ताकि ये एक्स्ट्रा कलर है जो वो निकल जाए, यस। एंड नाउ जहाँ पर हमने ये बनाया है स्टैंडिंग लाइन, जस्ट इसके ऊपर आप अपना फ्लावर बनाने वाले हैं, सो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। वेट, देखो पूरा मामले ने इसको पूरा ही कर दिया, या सो ऐसे ही आप इसको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसके ऊपर ऐसे जहाँ पर स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर इसको अच्छे से प्रेस करना है लाइक दिस एंड दिस।
ओके सो इट इज नॉट प्रॉपर बट वील ट्राई कि ये प्रॉपरली आ जाए लाइक दिस. अब हम एक कॉर्नर में यहाँ पर भी रेड बनाने वाले हैं लाइक दिस. आपने फ्लावर्स देखे ऐसे होते हैं ठीक है, इसके साथ टच रहना चाहिए तो आप इसको नीचे तक लेकर आ सकते हैं ताकि इसके साथ टच हो जाए. लाइक दिस यू कैन डू. ओके नेक्स्ट, अभी ये वाला रेड कलर तो हो गया, सो यू हैव टू टेक द अदर फॉक एंड फॉर दैट हम लेने वाले हैं विच कलर. लेट्स टेक येलो. तो येलो लेते हैं अब हम. अभी हमने दूसरा फॉक लिया है बट येलो पर येलो दिखेगा या नहीं, लेट अस सी दैट. चलिए अभी रेड के साइड में हम बनाने वाले हैं येलो लाइक दिस. वाओ दिस इज सो क्यूट ना. यस सो हम क्या बना रहे हैं आप लोग को पता है, दिस इज गार्डन. जी ग गार्डन. गार्डन में फ्लावर्स होते हैं लाइक दिस राइट. येलो कितना क्यूट लग रहा है ना. यस एंड लेट्स टेक द लास्ट इन ब्लू कलर. जल्दी से हमने इसमें डिप कर लिया है एंड नाउ यू हैव टू गिव वन प्रिंट लाइक दिस. वेरी नाइस. तो अभी हमने क्या बना लिया है, जी द गार्डन. कैन यू ऑल सी दिस. हमने इसमें ग्रास बनाया है, कलरफुल फ्लावर्स बनाए हैं. सो व्हाट इज दिस, गार्डन. गार्डन में होते हैं ना फ्लावर्स इन ग्रास लाइक दिस. हम इस रेड को भी ना नीचे टच कर देते हैं लाइक दिस. लेट अस टच दिस. यस एंड इट्स डन. जी ग गार्डन. एंड अभी आपको जी कहाँ लिखना है, देयर इज नो स्पेस राइट. सो यू हैव टू टेक योर कलर बट जब ये ड्राई हो जाएगा ना, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आप तब लिखिएगा ठीक है. आपको यहाँ मिडिल में लिखना है जी. एंड जी अभी कैसे लिखा था मैम ने, वन कर्व लाइक दिस. ओके देन आपको ऊपर की साइड एक स्टैंडिंग लाइन ले जाना है एंड देन लेफ्ट साइड स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. जी ग गार्डन. जी ग गार्डन. यस चिल्ड्रन. सो नाउ चिल्ड्रन लेट अस डू द बुक वर्क बट बिफोर राइटिंग लेट अस सी सम पिक्चर्स. सो विच लेटर इज दिस, लेटर जी. लेटर जी. एंड वॉट इज द साउंड ऑफ लेटर जी, जी ग. जी ग यस. जी ग ग्रेप्स. जिराफ. जी ग गोरिल्ला. जी ग गोरिल्ला. जी ग गिटार. गोरिल्ला इज प्लेइंग द गिटार. यस. जी ग ग्रास होपर. जी ग ग्रास होपर. जी ग गोट. जी ग गोट. जी ग गर्ल. जी ग गर्ल. जी ग गार्डन. ये सब कहाँ पर है, गार्डन में है ना. यस. जी ग गार्डन. एंड गार्डन में कौन से कलर की ग्रास है, जी ग ग्रीन. जी ग ग्रीन. यस एंड नाउ लेट अस डू द राइटिंग वर्क. सो लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू. सी You have to put your pencil here. The first step is curve. आपको पहले ही यहाँ पे इसे रखना है एंड आपको जैसे हम सर्कल बनाते थे ना, तो ऐसे ही आपको कर्व बनाना है इन द सेम वे. आप इसको ऐसे कर्व करके ऊपर ले जाएंगे बट जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा अंदर की साइड कर्व कर देना लाइक दिस एंड देन स्टॉप. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू मेक वन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. Yes, and what is this? G-G-Globe. G-G-Globe.
Yes. And now let us write. And what is this in my hand? Pencil. And pencil कौन से color का है? Jigger green. Yes. So let us write. And while writing, make sure कि आप जब लिखेंगे तो वो बिल्कुल dots के ऊपर ही trace करेंगे, ठीक है? And this time you don't have to start from the pink line. अभी आपको थोड़ा pink line से नीचे से start करना है, like this. इसके थोड़ा सा आगे आप ऐसे यहाँ पर रखेंगे अपना पेंसिल और इसको ट्रेस करके पिंक लाइन से टच करके देन कर्व, देन फर्स्ट ब्लू लाइन हमने क्रॉस करा, देन सेकेंड ब्लू लाइन को भी टच करके ऊपर की साइड लाइक दिस, एंड देन वन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस. सेकेंड लाइन में क्या आ गया? स्लीपिंग लाइन. ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस वंस अगेन. यू हैव टू पुट योर पेंसिल हेयर ऑन दिस डॉट, देन यू हैव टू ट्रेस इट लाइक दिस. स्लोली स्लोली आपको इसको ट्रेस करना है बेटा, ताकि बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेस होना चाहिए. ओके, जी ग, जी ग, यस. नाउ लेट अस सी हेयर. आपको सिंगल डॉट पर कैसे लिखना है? अब ये देखिए यहाँ पर सिंगल डॉट है, बट आपको सिंगल डॉट से स्टार्ट नहीं करना है. यू डोंट हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम हेयर. आपको इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है. यू हैव टू पुट योर पेंसिल हेयर. ओके, इसके बिल्कुल आगे थोड़ा सा स्लैंट में यहाँ पर, एंड देन आप इसको इधर से लेकर जाएंगे इधर की साइड लाइक दिस. टच करा, देन आप इसे कर्व करेंगे लाइक दिस. ब्लू लाइन को टच करके आप ऊपर की साइड आए इधर, एंड देन वन स्लीपिंग लाइन लेफ्ट साइड में. आपको स्लीपिंग लाइन बनाना टुवर्ड्स इनसाइड. हम ऐसे बनाते थे ना, इधर नहीं बना करके अभी इधर बनाना. ओके, सो लेट अस सी दिस वंस अगेन. हाउ यू हैव टू डू दिस? यू हैव टू पुट योर पेंसिल हेयर. आपको यहाँ पर रखना है पेंसिल, एंड देन आप इसे कर्व करेंगे इसको टच कर कर ब्लैक डॉट को, देन कर्व कर्व इट लाइक दिस. वेरी गुड. एंड ब्लू लाइन को टच करके आप इसको ऊपर की साइड कर्व कर देंगे लाइक दिस, एंड देन वन स्लीपिंग लाइन. ऐसे करके बनाएंगे आप. ओके, सो एंड वाइल राइटिंग आप बोल बोल कर लिखने वाले हैं. जी ग गर्ल, जी ग ग्रेप्स, जी ग ग्रीन. ओके, तो मैम ने अभी आपको जितने पिक्चर्स दिखाए हैं आप सब बोल बोल कर ही लिखेंगे आप जब लिखेंगे. एंड मेक श्योर कि आप जब ये स्लीपिंग लाइन बना रहे हैं आप इसको इससे ज्वाइन नहीं करेंगे. इट शुड बी टिल हेयर ओनली, ठीक है? छोटू सा ही रहना चाहिए, जैसे डॉट यहाँ पर है उसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने ये कर्व बनाया है, स्टार्ट करा है, आपने यहाँ से स्टार्ट करा तो आप इसको इसे कर्व कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है? एंड वाइल मेकिंग कर्व आपने कर्व बनाया, तो आप इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आप इधर की साइड लेकर जाएंगे. देखिए जहाँ से आपने स्टार्ट करा बिल्कुल इसके सामने ही इसको कर्व को स्टॉप करना, एंड देन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस ये डॉट तक. ओके, सो विच लेटर वी हैव रोट टुडे? लेटर जी. लेटर जी, जी ग, जी ग, यस. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट ऑन द टॉप. टुडेज डेट इज, टुडेज डेट इज 13.1.3.10.20 and C.W like this. And after this you will do this activity which is given here. What is this? In this you have to trace the path with green color to connect all the fruits and vegetables. अभी यहाँ पर जितने भी green vegetables हैं आपको इनको trace करना है. Can you see the dotted line given here? This. आप इसको trace करेंगे ताकि जितने भी green fruits और green vegetables हैं वो क्या हो जाए? Join हो जाए. Okay? So that's it for today. We'll meet you in the next class. So bye-bye. Take care, everyone.